नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने गहना और नकदी चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। सतना सांसद गणेश सिंह ने सतना जिले को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर पत्रकारों से की चर्चा। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, इस बजट में किसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा। अमरपाटन के लालपुर क्षेत्र में श्रीमती रामलली चौरसिया दिनेश चौरसिया के घर में श्री रामचरित मानस का किया गया आयोजन। सतना के सेमरिया चौक कॉफी हाउस के पीछे काउंसलिंग बोर्ड के पब्लिक टॉयलेट पर किया गया सट्टा व्यापारियों का अवैध कब्जा। मैहर सिविल अस्पताल में ANM MPW ने किया हड़ताल, CMHO को सौंपा ज्ञापन। सतना के कोलगवा क्षेत्र TI प्रताप सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस ने किया पैदल मार्च। परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार सतना RTO संजय श्रीवास्तव द्वारा आज की गई पुराने जब्त वाहनों पर कार्यवाही। जिला आबकारी विभाग सतना द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी श्री विजय सोलंकी जी के मार्गदर्शन में संयुक्त बल द्वारा सतना मैहर और कोठी के अलग अलग क्षेत्रों में छापामार दबिश कार्रवाई की गई। सेमरिया चौराहे में NH 75 पर सड़क जाम करने के दौरान कांग्रेस प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। जिला अस्पताल सतना स्थित मर्चुरी के गेट पर धरने पर बैठे मृतक के परिजनों ने कहा 10 लाख मुआवजा मिलने के बाद ही लेंगे शव। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।